सीट बंटवारे पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में तकरार। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। एसपी कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट दे रही है ये कहा जा रहा है, और 5 सीट नहीं तो कांग्रेस नहीं लड़ेगी चुनाव, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को अल्टीमेटम दे दिया है, सूत्र ये भी बता रहे हैं, और साथ ही कांग्रेस को 5 सीट से कम मंजूर नहीं है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी 5 सीटों की डिमांड कर रही है, और कहा यह जा रहा है कि 5 सीटों से कम में कांग्रेस को कुछ भी मंजूर नहीं, और समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीट कांग्रेस पार्टी को देने की तैयारी कर रही है। तो ये बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की के बीच में जो गठबंधन है उसमें तकरार की खबर सामने आ रही है, तनाव चल रहा है सीट शेयरिंग को लेकर। एसपी कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट दे रही है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना यह है कि 5 सीट उनको चाहिए उपचुनाव के लिए। अब जानकारी है कि कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को अल्टीमेटम दिया है सीटों को लेकर। देखिए 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, 9 सीटों को लेकर और सीट बंटवारे को लेकर जो तकरार है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में, उससे जुड़ी यह बड़ी खबर है कि वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर रहा है कितनी सीटें कहाँ देनी है क्या है। राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर रहा है, हम लोग पूरी ताकत के साथ संगठन को मजबूत करने पर उस पर काम करने के लिए कर रहे हैं। देखिए वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर रहा है कितनी सीटें कहाँ देनी है क्या है। राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर रहा है, हम लोग पूरी ताकत के साथ संगठन को मजबूत करने पर उस पर काम करने के लिए कर रहे हैं। अगर प्रोफेसर साहब बात की जाए गठबंधन की, तो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऐलान किया था अखिलेश यादव ने, लेकिन कांग्रेस गठबंधन के मूड में नहीं है, वो 2 सीटों पर नहीं 5 सीटें चाहती है कि हम गठबंधन के तहत चुनाव लड़ें। ये तो चुनाव होता है जब तो सब अपनी अपनी मांग करते हैं, लेकिन कांग्रेस 2 सीटों पर ही लड़ेगी। यानी गठबंधन के साथ ही आप चुनाव लड़ेंगे? गठबंधन के साथ कोई समस्या नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।